एक घटिया किस्म के आदमी हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है और मीडिया में बने रहने के लिए अक्सर ऐसा बयान देते हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काना उनकी नीयत है। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। निश्चित तौर पर धर्म पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था का विषय है ये, इस पे ऐसा बोलना निश्चित तौर पे उनकी हीन मानसिकता प्रमाणित करती है। ऐसे लोगों का देश में बहिष्कार होना चाहिए, देश से निकाला जाना चाहिए, मेरी तो यही मांग है। ऐसे लोगों का देश में कोई स्थान नहीं है। मौर्य एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, कहीं से भी ये हिंदू माइंडेड नहीं है, इसलिए भाजपा परिवार से हम लोग का नहीं बैठा। हमेशा से ये आतंकवादियों के लिए पैरवी करने वाला व्यक्ति है। हमेशा ये चाहता है कि हिंदू को एक दूसरे में बांटा जाए और इसमें कभी सफल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में ये गए हैं और ये उनका नाश करके वहाँ से निकलेंगे। इनका 2024 में इनको जनता सबक सिखाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इनको इनकी पार्टी द्वारा इनको निकाला जाए और मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ही इनको सबक सिखाएगी और 2024 में राजनीतिक समीकरण इनको दिखाएगी क्या है ये। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि इनको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करें। धर्म की राजनीति में नहीं आनी चाहिए, जिससे लोगों का वो हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनको तुरंत बहिष्कार करना चाहिए, इनका हर जगह बहिष्कार होना चाहिए और धर्म की राजनीति से न जोड़ें। रामचरितमानस पर जो चंद्र प्रसाद मौर्य ने बोला, बहुत निंदनीय है। इनकी जितनी भी निंदा काम है, अभी इसके पहले अभी जनता ने इनको जवाब दिया, जमानत तक जब्त हो गई, हार के चले गए, मुंह के खानी पड़ी। आज भगवान राम के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछा रहा है। ऐसे को मैं इन लोगों का बहिष्कार करता हूँ और मैं जनता से निवेदन करता हूँ, ऐसे चरित्रहीन है जो दोगले काम पान का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। किसी के धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख किसी के धर्म के बारे में ऐसा बोलना बहुत निंदनीय है। इनको हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश जनता सबक सिखाएगी और सबक सिखाया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, उस पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदाजनक है। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने धार्मिक ग्रंथ, जो कि इसका सम्मान हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातनी धर्म, और उसमें रामचरितमानस में भगवान श्री राम के सारे कर्मों को दर्शाया गया, उनके जीवनी को दर्शाया गया है, जो और उस पर रामचरितमानस पर जो उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही निंदाजनक है। और समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो इस प्रकार वोट की राजनीति करने के लिए ये बहुत ही गलत किया है उन्होंने, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है ये समाजवादी पार्टी के कथनानुसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदैव से हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है और उस पर अखिलेश यादव का चुप्पी साधे रहना ये भी परिचायक है कि उनकी सहमति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, जो कोई नई बात नहीं है, और इसका परिणाम समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में उठाया है, 24 में भी उठाएगी। और हिंदू समाज, चाहे वो क्षत्रिय ब्राह्मण वै शुद्ध, सभी समाज के अंग हैं, सभी एक साथ मिलकर इनको जवाब देंगे। ये केवल स्व का हित साधने के लिए जो है इसे बयान देते हैं, ना तो ये पिछले की जैसी है, ना ये SC की इस जैसी है, किसी की जैसी नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी, तो उसका परिचायक है, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं और हिंदू विरोधी होने का स्पष्ट प्रमाण है। ये आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने का, जब इनकी सत्ता थी तब आतंकवादियों को भी इन्होंने छोड़ने का काम किया था, तो कोई नई बात नहीं है और जनता सब समझ रही है। करारा जवाब 2024 में दिया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है, इस पर क्या है आपका? रामचरितमानस हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें कि रामचरितमानस से लोग प्रेरणा लेते हैं। ये जो उनका बयान है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने रामचरितमानस पर ऐसा बयान क्यों दे दिया है। पूरे भारत में रामचरितमानस लोग पढ़ करके अपने कामों का शुभारम्भ करते हैं। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ लिख दिया है तुलसीदास जी ने कि जिसकी बारे में हम नहीं समझते हैं कि कोई दूसरा ग्रंथ अब कोई जीवन में उनसे अच्छा लिख सकता है। ये कार्य जो उन्होंने किया है, पता नहीं उन्होंने कैसी बात कह दी तो समझ में नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद जी का कुछ बात, प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सरासर हिंदू
धर्म के लिए गलत है और जो उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य जो साथ दे रही है वो भी गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान हमारे रामचरित मानस के बारे में दिया है ये सरासर बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को इतना छोटा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक नेता का पद जो होता है उसे लाखों लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक धर्म की भावना आहत होती है। और विशेषकर उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर आरोप लगाया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों को गलत ठहरा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय में गहन जांच हो। ये बयान उन्होंने किसके किस आधार पर दिया है और क्यों दिया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो इस तरह के बड़े लीडर बनते हैं प्रदेश में और इस तरह के बयानबाजी करते हैं जिसका कोई सरोकार नहीं है सत्यता से, और ये हिंदू धर्म के खिलाफ एक मुहिम चल रहा है जिस तरह से नेता लोग बोल रहे हैं, और हम सभी लोग राम के वंशज हैं, और इस तरह का जो कमेंट उन्होंने दिया है ये बर्दाश्त के बाहर है। और हम यही चाहेंगे कि ऐसे नेताओं को कड़े से कड़े विरोध के रूप में निष्कासित कर दिया जाए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आवाए, उनकी बिटिया आवाए, फिर उनकी नाती नतनी आवाए, इसका कोई मतलब नहीं है। इनको धर्म के बारे में कोई जानकारी है वे नहीं, इनको तो शांति ढंग से कहीं पे जाकर तपस्या करना चाहिए, बाकी ये सब राजनीति छोड़ दें। लोग ये राजनीति करने योग्य इंसान है नहीं। जो बयान दिए कितना, अरे क्या ऋषि मुनि से, ये हमारे जो ऋषि मुनि आदिकाल से चले आ रहे हैं सब, उन्होंने जो रामचरित मानस का रचयिता किया, तो क्या ये ऋषि मुनि से पढ़ करके हैं ये? इस तरह के बयानबाजी करना एक बहुत ही निंदनीय बात है, खास तौर से अपने हिंदू रीत में, अपने हिंदू धर्म में। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एक हिंदू हैं, उनको रामचरित मानस का मेरे ख्याल से फिर से अध्ययन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए रामचरित मानस बारे में या किसी भी हिंदू के बारे में। उनकी जो बिटिया आई है समर्थन में, उनको बहुत ही सोच समझ के आना चाहिए। मान लीजिए पिता ने गलती किया तो पुत्री को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, वो एक स्त्री है, नारी है। कि जिन नेताओं ने ये टिप्पणी की है उनका तो कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, वह दल बदलू नेताओं के नाम से जाने जाते हैं और उनका काम ही है दल बदल कर इस पार्टी में रहना उस पार्टी में रहना, यही करते चले आए। अब इस समय उनके पास कोई काम रह नहीं गया, तो उनको जब कोई काम नहीं रह गया और जिस पार्टी के अंदर वो है वो पार्टी हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते चली आई है, और वो उसी सोच पे वह पार्टी जो है, पार्टी के नेता चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो बिहार के जो मंत्री साहब थे वो हो, या अन्य कोई हो जो इस तरह के जो बात कह रहे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि रामचरित मानस है क्या। अगर वाकई में उन्हें मालूम होता तो वो पहले श्री रामचरित मानस जाके पढ़े और उसको पढ़ने के बाद तब जाके उस तरह का उस पर टिप्पणी करें। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बात की है उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, मेरा मानना है किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, किसी के धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बहुत गैरकानूनी है, ये अपराध है, ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम जी हमारे देश की शान है, मान है, और उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना किसी को अभी धर्म स्वीकार नहीं करता। उन्होंने जो कुछ भी कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ कहा, यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक शर्मनाक बात है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी के धर्म को आहत करना ये इंसानियत के परे है, तो ये उनकी गलती है। अगर किसी के पिता अगर कोई अभद्र भाषा किसी की सम्मान के साथ करते हैं, किसी के भगवान के साथ करते हैं, किसी धर्म के साथ करते हैं, तो उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपने पिता को समझाना चाहिए कि आज की राजनीति वो गंदी राजनीति ना करें जो आज किसी के धर्म को चोट पहुंचे, किसी के मजहब को चोट पहुंचे। ये देश का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जाति समुदाय से संबंध रखता हो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। मौर्य जी एक बड़े अच्छे नेता हैं पार्टी के, मगर उनको ये श्री राम के लिए ऐसे शब्द बोलना अच्छा नहीं होता है, और ये राजनीति प्रेरित शब्द है। अंतःकरण से अगर उन्हें पूछा जाए तो वो श्री राम के बिल्कुल भक्त होंगे और उनमें आस्था होगी। सिर्फ पार्टी की वजह से या राजनीति में छाए रहने की वजह से उन्होंने ये कार्य किया, और ये भी घृणित कार्य है, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। राम हमारे इष्ट हैं, सब धर्म
अपने धर्म को इतनी अच्छी तरह मानते हैं तो हम उसी धर्म में रह के उसी धर्म की बुराई करें, ये हमें कहाँ से अच्छा देता है। ये तो वही हुआ जिस हाड़ी में खा रहे हैं उसी में छेद कर, तो इसलिए ऐसा ठीक नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। रामायण हमारी पूजनीय है, पुराना ग्रंथ है, सम्मानते हैं। उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। संविधान ने जो बयान दिया है वो बहुत गलत दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। और वो रामायण हमारा ग्रंथ है और पूजनीय है, उसका हम विरोध करते हैं बिल्कुल। और जो उसने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। देखिए, किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई भी बयान देना बेहद निंदनीय कार्य है। और किसी को भी, किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी बयान या किसी धार्मिक पुस्तक के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं समाज में बिखराव पैदा करती है, वर्ग भेद पैदा करती है, जो कि समाज के लिए बेहद अनुचित है। तो ऐसी गंदी राजनीति किसी काम की नहीं है जिसके लिए आप जो है समाज को बांटें। देखिए, उनका अपना निजी आउटलुक है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, यहाँ पे तो हम लोग रामचरितमानस के ही आदर्शों पर चलते हैं और भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं। संघमित्र मौर्या जी का क्या अपना पिता के बयान के प्रति आउटलुक है, भाजपा से सांसद है, अगर वो ऐसे घृणित बयानों का समर्थन करती हैं तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी उनको आगे उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे हैं, ये कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कभी वेद पुराणों को हमारा झुठला रहे हैं। इनका क्या है कि इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें अपना खुद के बारे में पता नहीं है कि इनकी पैदाइश किस तरीके से हुई है, इनकी पैदाइश हुई भी है या नहीं भी हुई है, इनका खुद का कोई मतलब, इनका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है ना, पहले ही अपना DNA जाँच कराएँ, उसके बाद ब्राह्मणों पर, वेद पुराणों पर और इस पर हमारे देश के प्रति जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं इन पर टीका टिप्पणी करना, पहले अपने DNA की जांच कराएं, अपने माँ बाप और अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी लें, उसके बाद में हमारे पूर्वजों पर, हमारे देश पर, हमारे ये जितनी भी वेद पुराण हैं, भगवान श्री राम हैं, हमारे देवी देवता, इन पर टीका टिप्पणी करें। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता से लगता है कि उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है और उनका संतुलन बिगड़ गया है। जिस प्रकार उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते हैं, उन्हीं की पतलन है कि वो इस मतलब हारते जा रहे हैं और इसके कारण है कि वो अपनी बौखलाहट से परेशान हैं और उनकी बौखलाहट उनको अपने आप ही परेशान कर देगी, क्योंकि जब जब भगवान श्री राम का कोई भी अपमान करता है उसका विनाश निश्चित तौर पर होता है। और इसके लेकर करोड़ों हिंदूवासियों ने, लाख करोड़ों हिंदूवासियों ने आस्था का खिलवा करने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाता। स्वामी प्रसाद की बौखलाहट ही हमारे लिए अच्छा सही संदेश लेके आएगी 2024 में। के बारे में मौर्य के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरीके की बात कही है जो कल्पना है, तो जो कोई जो भगवान को नहीं मानता वो अपने बाप को नहीं माने तो इसकी कोई जिम्मेदारी छोड़ेंगे? अरे ये कुछ भी कह सकते हैं, अरे भगवान का हमेशा अस्तित्व है और रहेगा, भगवान तो ये सनातन तो सदा से चला रहा है, भगवान को कौन रोक सकता है? भगवान हमेशा से है और बिना भगवान के कोई है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं भगवान के बिना, सारा संसार अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कहने वाले ये भगवान को क्या कि अपने बाप को नहीं मान सकते, अपने को नहीं मान सकते, दुनिया को नहीं मान सकते, इनकी तो स्वार्थ बुद्धि है केवल। स्वामी प्रसाद मौर्य से यही कहना चाहूँगा मैं, वो एक हिंदू नहीं है, अगर हिंदू हैं तो अपने स्वामी को या मतलब अपने बाप को ऐसे कहेंगे काल्पनिक है, अपने बाप को बाप नहीं जाएगा, दूसरों के बाप को बाप कहेगा, काल्पनिक कह सकता है। राम का अस्तित्व उनके नाम से ही है और हमेशा रहेगा, जन्म जन्मांतर रहेगा, वो इतना ही अगर काल्पनिक मानते हैं तो अपनी मौत पर ये कह दें कि जो पीछे चलने वाले राम नाम सत्य का नारा ना दें, तब मानेंगे कि उनका अस्तित्व नहीं है, बाकी तो राम हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। राम के बारे में कहना चाहूँगा, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है इस बात पर ये बोल रहा है, इसके बाप का अस्तित्व है, इसका बाप है, इसे पता है, इसको भी अपने बाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब अस्तित्व नहीं है तो तू आ कहाँ से गया? भगवान है तभी तो तू देख ही पाया है, बिना भगवान के तू आ कैसे गया? तेरे बाप कहाँ से आया? कि मौर्या साहब मंत्री रहते हुए और इस प्रकार का बयान देते हैं भट्टा, तो निंदनीय है, तो राष्ट्र के लिए घातक और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक, क्योंकि भगवान राम और रामचरित के अनुयायी यहाँ केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, अन्य देशों में भी हैं, तो क्योंकि राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है,
एक आदर्श सारे पात्र रामायण के आदर्श हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं अभी, केवल ढूल गंवार सूत्र पर नारी लेकर के भाग खड़े होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ढोल का कैसे बजता है और गंवार कैसे ठीक होता है और पशु कैसे और स्त्री कैसे कंट्रोल होती है। ये सब चीज़ें तुलसीदास जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से और बड़ी कुशलता के साथ किसी का अपमान न करते हुए सब आप पढ़िए और समझिए, विचार करिए। मानस मामूली ग्रंथ नहीं है, बड़ा गुरु गूढ़ ग्रंथ है, गूढ़ अर्थों को लेकर हुआ है। तो ये मौर्या साहब हमारा आपसे अनुरोध है, आप इस प्रकार के बयान भविष्य में मत दीजिए, इससे राष्ट्र में विरोध की भावना पैदा होती है, जातिगत भावनाएं पैदा होती हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसलिए आप विचार करिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से वो नेपथ्य में चले गए, एक साल से वो राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हैं। वो अभी भाजपा से ही सपा में आए हैं, इस राजनीति को समझना बड़ा आवश्यक है कि भाजपा को और ऐसे नेताओं को धार्मिक मामलों पर बयान देकर ही उनको राजनीतिक लाभ होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आज इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो रामचरितमानस हमारे भगवान परशुराम श्री राम की कथा का वर्णन है, वो हमारे आराध्य हैं, उनके संबंध में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना और उसके बाद उसको तूल देने का काम, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR और सब धरना प्रदर्शन करने का काम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे इंगित होता है कि दोनों की मिलीभगत है। उसके पहले उन्होंने बिहार में किया, अभी और भी इस तरह के मुद्दों पर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सूर्य को कोई उस पर कोई थूक सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत ओछी हरकत की है और उसको तूल देने का उससे भी ज़्यादा ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। अब वो चूँकि गोस्वामी तुलसीदास, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस में कि विप्र न पूजा है वेद, विप्र पूजिए वेद प्रवीणा और सूद न पूजिए वेद बिनहीना, ऐसा कुछ लिखा है। तो अब चूँकि गोसाई जी ने लिखा है रामायण में तो वो गलत बात है, क्योंकि देश में जो है सारी जातियाँ जितनी भी वर्ग विवेक में वर्ग की जातियाँ हैं उनको जीने का अधिकार है और वो जी सकती हैं इस देश में। यही जो है अब 26 जनवरी हुई थी, 26 जनवरी देश मना रहा था, उसके संबंध में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश की है, उस वजह से जो है जो राजनीतिक टिप्पणियाँ की जा रही हैं वो जो है चूँकि जो है किसी न किसी एक तो इनका पहलू ये रहता है, जितने भी पॉलिटिशियन राजनेता हैं उनका ये पहलू रहता है कि हम किसी तरीके से हाईलाइट हों। भी धर्म पे कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जो टिप्पणियाँ अभी आ रही हैं, जैसे किसी नेता का अगर नाम लेके बताना चाहूँ तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एक अपने आप को कद्दावर नेता समझते हैं, उनके द्वारा जो रामायण पर जो निंदनीय टिप्पणी की गई उसका मैं पुरजोर शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। और राजनेताओं को राजनीति में धर्म को मतलब नहीं घसीटना चाहिए, धर्म एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग चीज़ है। मेरा मानना यह है कि सरकार को धर्म के चक्कर में ना पड़कर बेरोजगारी और देश की जो मूल समस्या है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे जो युवा हैं पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के अवसर देखना चाहिए और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो गाँव की पिछड़ी व्यवस्था है उसको ही ओर ध्यान देना चाहिए कि गाँव में शिक्षा कहाँ से कहाँ चली गई है नीचे, जहाँ से शिक्षा मेन मुद्दा है उसको भटकाकर आप धर्म की ओर ले जा रहे हैं, ये गलत है। स्वामी प्रसाद मोहन ने जो टिप्पणी की है वो रामचरितमानस पर लेकर नहीं की है, उन्होंने एक विशेष पंक्ति पर लेकर की है कि जो हमारे समाज की ओर एक गलत संदेश दे रही है, वो टिप्पणी की है जो सही है उसके लिए सरकार ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रही है, सरकार को उनकी ओर ना देखकर उस रामचरितमानस की टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ तक सही है, वो कहाँ तक सही लिखी है।
वहाँ ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? वो उनको ज्ञान कुछ नहीं है रामचरितमानस के बारे में, और ये सुंदरकांड की किताब है। सुंदरकांड में किताब में अर्धचरित लिखा हुआ है, अर्धचरित में लिखा हुआ है ये सब शिक्षा के अधिकारी। इसका मतलब ये हुआ ये सब शिक्षा के अधिकारी है। वो फिर से ज्ञान करें और फिर से पढ़ें लिखें तो अच्छा बात है कि उनको उनको भगवान राम के बारे में ऐसी बात कहने का उनको अधिकार किसने दिया? और ये सरकार ने अगर उनको अधिकार दिया तो गलत दिया है बोलने का। ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, और समाज से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि तो सुंदरकांड आज का बना हुआ नहीं है, सुंदरकांड गीता प्रेस का गोरखपुर का बहुत दिन से बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सब शिक्षा के अधिकारी है। ये लाइन देखिए लिखा है सब शिक्षा के अधिकारी है। देखिए संघमित्रा मौर्य जी बीजेपी से सांसद हैं, और उनको अपने पिता के रामचरित बयान पर जो उन्होंने विवादित बयान दिया है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाजपा में वो जुड़ी हैं और भाजपा हिंदू सनातन सभ्यता को मानने वाली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो विवादित बयान दिया उससे आम जनमानस हिंदू की भावनाएँ आहत हुई हैं, जिसके लिए निंदनीय है। और पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भाजपा में थे तो राम के नाम पर कटने मरने की बात करते थे, और आप किसी कारणवश वो अगर छोड़ के सपा में चले गए हैं तभी वो राम को तिरस्कृत कर रहे हैं। रामचरितमानस से कई लोगों की जीविका चलती है, उस पर भी वो एक तरह से मान लीजिए आक्षेप ही कर रहे हैं। रामायण को सही या गलत बताने पर टिप्पणी करना तब उचित होता जब कोई रामायण का ज्ञाता बोलता, कोई साधु संत बोलता, कोई वेद अध्ययन करने वाला बोलता, कोई जो है धर्माचार्य बोलते, तब मुझे लगता है कि उस पर टिप्पणी करना उचित था कि हाँ रामायण में ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि भाई ज्ञाता है, कोई साहित्य का ज्ञाता होता बोलता तब सोचते। स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बातों को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? रामायण कैसे उसके बारे में जान सकते, उसकी व्याख्या वो कैसे कर सकते हैं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी से उनको टिप्पणी है। ताड़ना का अर्थ वो क्या जानते हैं? उनको मालूम है कुछ ताड़ना का अर्थ? तमाम लोग तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, ताड़ना को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ताड़ना मतलब प्रताड़ित होता, अवधि के कितने बड़े ज्ञाता हैं, वो कितने बड़े कवि हैं, वो कितने बड़े धर्म के ज्ञाता हैं जो बताएंगे कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। ताड़ना का अर्थ वहाँ पे जो लिखा है उसका अर्थ है देखभाल करना। ढोल, ढोल की अगर देखभाल नहीं करेंगे, उसको चार दिन अगर टांग दिया जाए तो नरम हो जाता, उसको सेकना पड़ता, धागा हमेशा टाइट रखना पड़ता, ढोल देखभाल की ज़रूरत होती है। गंवार, जो गंवार है जिसको नहीं कुछ मालूम है, उसकी देखभाल नहीं करेंगे कब क्या कर दे, उसकी देखभाल करना ज़रूरी है। और नारी का विषय, नारी का विषय हमारे लिए सदा से ही सम्मान का विषय रहा है। नारी को हमारे सनातन धर्म में सम्मान की दृष्टि से देखा है, उसके सम्मान में कहा जाता है कि उसकी देखभाल के लिए ताड़ना शब्द इस्तेमाल किया गया। अगर एक लड़की बाहर जाती है तो उसके साथ चाहे 5 साल का ही बच्चा साथ में क्यों न जाए, उसकी देखभाल के लिए जाता है। नारी एक सम्मान का विषय है हमारे लिए। कभी आपने सम्मानित व्यक्ति को किसी अकेले जाते हुए देखा? उसके साथ एक आदमी होना चाहिए उसकी सम्मान के लिए, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं इसलिए उसके साथ एक आदमी होना चाहिए, क्योंकि हम नारी का सम्मान करते हैं इसलिए एक उसके साथ देखभाल करने वाला परमानेंट होना चाहिए। पहले जो धर्म को जाने समझें तब कोई टिप्पणी करें। देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान ही बहुत ज़्यादा विवादित है, जिसे तुलसी की तरह मार से लाखों लोगों की जीविका चल रही है, और जो कि हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसके बारे में इस तरीके की ओछी टिप्पणियाँ करना जो है इन गिरे हुए लोगों का एक चलन बन गया है, और ये हाईलाइट रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस तरीके के बयान दिया करते हैं। रही बात संघमित्रा की, संघमित्रा को तो इसमें कतई नहीं आना चाहिए कि संघमित्रा ऐसी पार्टी के संगठन हैं जो कि सनातन धर्म और इस धर्म जो हिंदू धर्म है उसका सबसे बड़ा ध्वजावाहक पार्टी है। इसलिए संघमित्रा का इस तरह के बयान का समर्थन करना ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी को ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अगर नहीं करती है बीजेपी तो उसको भी नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। इसलिए जो है हम तो ये कहते हैं कि जो भी सनातन धर्म हिंदू धर्म के बारे में ओछी टिप्पणी करे ऐसे लोगों को अब हमारा हिंदू धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा धर्म इन लोगों को कतई न्याय उचित जो है जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करके अलग कर दिया जाएगा।
देखिए, मैं मणिराम छावनी दास से दया मिश्रा बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ और इस समय मैं प्रत्याशी भी टिकट भी मांगने की दावेदार हूँ। जो इन्होंने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस पर जो इन्होंने बयान दिया है इसके हम पूर्णता विरोधी हैं। ये बिल्कुल इसका अर्थ ही नहीं है। इस तरह के बीजेपी में नेता जो भगवान राम के विरोध इस तरह से बातें कर रहे हैं उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि बीजेपी को ऐसे ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। राम जो जड़ होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वो अडिग ही रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं और उनको हिलाना पड़ता है। जैसे बड़ा सा पत्थर कोई है, वह जड़ है, मूढ़ है, उसको हिलाना पड़ता है, कई बार क्रेन से भी उठाना पड़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य जड़ होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो अपनी बात पर अडिग ही रहते हैं। पीछे हटने में, अपने बयान को सही करने में ही भल मनसाहत थी, यही उनके बड़प्पन का परिचय हो सकता था। लेकिन अपने घृणित उत्सित और अपने बायस दुराग्रह से जो ग्रसित उन्होंने बयान रामचरितमानस को व उनकी घटनाओं को लेकर दिया था, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। निंदनीय ही नहीं है, वास्तव में ताड़नीय है। जिस शब्द का अर्थ वह नहीं समझ पा रहे हैं, ताड़ना तो ऐसे लोगों के लिए ही ताड़न शब्द का प्रयोग किया जाता है मारने के अर्थ में, यद्यपि वहाँ मानस में सिखाने के अर्थ में है, रख रखाव के अर्थ में है, लेकिन ऐसे मूढ़ों के लिए ही गोस्वामी जी ने ताड़ना शब्द का प्रयोग इनके लिए किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस विषय का ज्ञान ना हो, जिस विषय का अनुभव ना हो, शास्त्रों से, संतों से, राम कथा के ग्रंथों पर शोध कर रहे लोगों से पहले अर्थ समझना चाहिए, फिर टिप्पणी करना चाहिए। जैसे कि कोई किसी के घर के विषय में जाकर नहीं कुछ बोलता है क्योंकि आप उस घर के बारे में नहीं जानते, ऐसे ही ये जो रामचरितमानस रूपी घर है, ये जो रामकथा रूपी एक बड़ा घर परिवार है जिसमें असंख्य करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है, साधु संतों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषय पर यदि कभी राजनीति के भूचाल के कारण आप फिसल गए, विचलन आ गई, तो सुधार कर लेने में ही मुझे लगता है कि ठिकाए होगा। इनको सुधार कर लेना चाहिए था क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। प्रसाद मौर्य पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका जो भी बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। उनसे जाके आप ये पूछिए कि सबरी कौन थी जहां राम ने उनके जूठे बेर खाए, जो बंदर और भालू की सेना लेके वो गए लंका, वो दरअसल कोल भील जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की संख्या थी। तो कुल मिला के उनकी अर्धविक्षिप्तता कहूँगा, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी कौन समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, उसके बारे में पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी केवल और केवल रामचरितमानस पर आधारित नहीं है, उसके तमाम सारे सामाजिक और राजनीतिक विषय भी हैं वो कुछ होती है। रामचरितमानस ग्रंथ महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है और स्वामी प्रसाद मौर्य को जानकारी होनी चाहिए कि जो महाकवि तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसके किसी भी रचना के 6 अर्थ होते हैं। आप समझ रहे हैं, एक भावार्थ होता है, एक शब्दार्थ होता है, एक रहस्यार्थ होता है, एक तत्वार्थ होता है, एक वामार्थ होता है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्णतः नास्तिकवादी आदमी है, तो ये नास्तिकों के अर्थ संदर्भ में अर्थ ले रहा है, ये अज्ञानी है और इसको इसके खिलाफ जो है समाज में वैमनस्य फैलाने की, धार्मिक भावनाएं भड़काने का इसके ऊपर आरोप दर्ज होकर इसको तत्काल जेल में भेजना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी कोई वैमनस्यता समाज में सांप्रदायिकता ना फैला पावे। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के और ऊँचे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लोग हैं उनको तत्काल इसकी बेटी को भी अपने पार्टी से बाहर करना चाहिए, अन्यथा इसकी बेटी भी किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकती है। We'll be right back.